नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। भिवंडी के मज़दूरों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका था कल रात। गोरखपुर के लिए भिवंडी रेलवे स्टेशन से श्रमिक एक्सप्रेस रात 12:58 पर छुटी, जिसमें गोरखपुर ज़िला के 1104 मुसाफिर मज़दूर बाल बच्चे उनके गोरखपुर के लिए रवाना हुए। 800 रुपये टिकट था। बताया जाता है कि टिकट पर दाम 745 रुपये थे और मज़दूरों से 800 रुपये ले गए। इस लॉकडाउन में एक जानिब जहां भूखे मरने की हालत आ गई थी मज़दूरों की, उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि ये रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 800 रुपये किराया वसूल किया जाना एक तरह से इंसानियत के खिलाफ बात नज़र आती है। लेकिन अब हुकूमत की अपनी मसलियतें हैं, उससे नाम में क्या रखा है हमें कोई मामला नहीं। लेकिन अगर मज़दूरों को ये सफ़र उनके घरों का फ्री करने दिया जाता तो वो एक अच्छा एहसास लेकर अपने घरों को जाते। खैर, ये तो हुआ मामला ट्रेनों के शुरू होने का। बताया जाता है कि दूसरे अज़ला के लिए भी इसी तरह से ट्रेनें शुरू होंगी और इनके लिए रजिस्ट्रेशन उस इलाके के पुलिस स्टेशन में ग्रुप की शक्ल में लोगों को जाकर करना होगा। दूसरी जानिब कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़कर भिवंडी शहर में अब 16 हो गई है, भिवंडी ग्रामीण में 10, इस तरह से 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अहमदाबाद से आए हुए एक 60 साल शख्स जो शांति नगर में रह रहा था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दूसरा एक 38 साल नौजवान जो अपनी वालदा के साथ जे हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल हुआ था, वो आज़मी नगर का रहने वाला था, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और एक खातून जो गवंडी गई हुई थी, 22 साल खातून, उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आया है। इस तरह से मजमूई तौर पर भिवंडी में, भिवंडी ग्रामीण और भिवंडी शहर मिलाकर 26 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 16 या 17 को IGM हॉस्पिटल में रखा गया है, बाकी थाना सिविल हॉस्पिटल में हैं और टाटा मंत्रा में क्वारंटाइन किए हुए लगभग 200-250 लोग हैं। इस तरह से शहर में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बस से बदतर होती जा रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, ये आवाम से गुजारिश कर रही है पुलिस और हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, बग़ैर ज़रूरत घर से ना निकलें। नाज़रीन, शुक्रिया बहुत बहुत, मैं आपकी खिदमत का मौका दीजिए। खुदा हाफ़िज़।